एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि इन दोनों वर्ड्स में क्या फर्क है। वर्ड ट्रैवलर, जिसका स्पेलिंग है TRAVELER, ये वर्ड US यानी अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। वही बात अगर हम ट्रैवलर की करें, जिसका स्पेलिंग है TRAVELER, तो इस वर्ड का इस्तेमाल UK यानी यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है। यानी इन दोनों वर्ड्स का साउंड एक है, इनका मीनिंग भी एक है, बस दोनों में ये फर्क है कि पहला वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है, जबकि दूसरा वर्ड यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है। इसी तरह से आप कुछ और वर्ड्स यहाँ देख सकते हैं, जिसका साउंड और मीनिंग दोनों एक ही होता है, लेकिन इनके स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कलर, जिसका स्पेलिंग है COLOR। ये वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादा फेमस है। वहीं अगर बात दूसरे वर्ड की करें, जिसका स्पेलिंग है COLOUR, तो ये वर्ड UK यानी ब्रिटिश इंग्लिश में ज्यादा फेमस है, जबकि इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है रंग और इन दोनों वर्ड का साउंड है कलर। तो उम्मीद करता हूँ अब आप इन वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय।